क्या ये सही है यहाँ पर आप लोग बोल रहे हो कि रिड्यूस करेगा यहां पर ये ये फाइनेंशियल बर्डन वगैरह सारी चीजें अब पता चल गया आज इलेक्शन हो रहे हैं दो हजार चौबीस में दो हजार उनतीस तक कोई ना कोई सरकार यहाँ पर रहने वाली है अब एक साइड में हो गई बीजेपी जो सरकार चला रही है एक साइड में हो गई कांग्रेस जो अपोजिशन में बैठी है आज फिर एक एडिटोरियल है आप लोगों हाँ के लिए यहाँ पर साइमन टेनिस इलेक्शन के बारे में आप लोगों से बात की थी अभी इसको लेकर सबसे बड़ी बात है निकल कर कि यार ऐसा अगर आप लोग करते हो तो ये एंटी फेडरल है फेडरल मतलब संघवाद का ढांचा और संघवाद का ढांचा यानी कि एक तरीके से देश के अंदर में हमारे देश के अंदर में में आज की डेट ऐसा सिस्टम है कि 28 है कि स्टेट और यूनियन है तो ये सारे मिलकर एक यूनियन बनाते हैं तो इस यूनियन के अंदर में हम लोग को सबको मिलकर काम करना है ठीक है तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो इसी को लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया कि साइमन टेनिस इलेक्शन के ऊपर में जब कल डिस्कशन किया था मैंने बोला था कि इसके ऊपर में एडिटोरियल लिखे जाएंगे अब दबाकर तो आप लोगे सामने है एडिटोरियल इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर मुद्दा तो याद कोविंद जी की थी। ये आप लोगों से बनेगा। जिसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली गई है सरकार के द्वारा ये यहां पर इसको लेकर ये न्यूज में आ गया है अगर ऐसा प्रपोजल कोई आता है साइमेंट टेनेस इलेक्शन का लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर में तो फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर म्यूनिस्पल और पंचायती पोल के अंदर में तो जनरल इलेक्शन आप लोगों को कराने पड़ेंगे हंड्रेड डेज के अंदर में ये भी प्रपोजल है इसके अंदर में तो मुद्दा ये है कि भाई कैसे कैसे इसको आप लोग इंप्लीमेंट करने वाले हो तो ये सारी बातें एक एक कर, कर यहाँ पर समझाई जा रही है तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा बहुत सारे पॉइंट्स है जो इसके अंदर में कवर करूंगा और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि भाई साहब इसके अंदर में आप लोगों को इम्प्लीमेंट करेगा अप्रूवल लिया जाएगा स्टेट से भी और पार्लियामेंट तो यहाँ पर काम करेगी करेगी तो यहां पर आप लोगों को सारे के सारे स्टेट्स को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा उसके बिना काम नहीं कर सकते पर स्टेट इस, इस चीज के लिए राजी होंगे नहीं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जैसे आज की डेट में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर बहुत सारी स्टेट आज की डेट में रो रहे हैं आप लोगों से मैंने कई बार डिस्कस किया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना झोला भर लेती है भाई साहब पैसे से पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पैसा उतना नहीं मिल पाता है जितना उनको अपना एरिया चलाने के लिए चाहिए तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आती है और जो ये रिपोर्ट भी निकल कर आई है इतनी रिपोर्ट थी इसके अंदर में दुनिया भर की बातें थी अट्ठारह की रिपोर्ट थी आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी चीजें इसके अंदर में लिखी गई होगी तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि कॉम्प्रीह रिपोर्ट यहाँ पर बोली जा रही है पर लेकिन क्या ये सही है इसके पीछे जो प्रपोजल दिया गया है साइमन टेनस इलेक्शन होल्ड करना क्या ये सही है यहाँ पर आप लोग बोल रहे हो कि रिड्यूस करेगा यहाँ पर ये फाइनेंशियल बर्डन वगैरह ये सारी चीजें क्या ये सही है इसको लेकर कई बार बात है कि भाई कॉस्ट को रिड्यूस करेगा ठीक है गवर्नमेंट का जो फोकस है वो गवर्नेंस पर लगा देगा यानी कि जब इलेक्शन होते रहते हैं तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है वो यहां पर जाती है कि भाई ये फोकस रहती है मैक्सिमम गवर्नमेंट का कि वो इस चीज पर फोकस देती है कि भाई अपने इलेक्शन को प्रचार करे तो यहाँ पर गवर्नेंस पर फोकस जाएगा यानी कि लोगों के लिए सोशल मीडिया की चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो यहां पर किस तरीके से क्या ये सही है इस तरीके तर्क देना तो यहाँ पर इसमें क्या क्या इश्यूज हैं प्रपोजल के अंदर में सबसे पहले तो अब तक हमारे पास में प्रॉपर डाटा नहीं है हम लोग इसको कैसे भाई साहब कोस्ट रिडक्शन को लेकर इसकी क्या गारंटी है कि भाई तुम जो हो फिलहाल जितना खर्चा कर रहे हो ये उतना खर्चा जो है तुम आगे नहीं करोगे इसकी क्या गारंटी आप लोग ये बताइए ठीक है इसका मतलब तो ये हो सकता है कि भाई जी जान लगा दो वो नहीं कहते कि घर में एक ही शादी होने वाली है सारा पैसा इसी में खर्च कर दो भाई एक ही लड़का है सारा पहला पैसा पढ़ाने में इसी बच्चे के लगा दो भाई साहब तो बराबर एक ही इलेक्शन होंगे उसमें बे पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये बोलना कि भाई आप लोग यहां पर अगर इस तरीके से इलेक्शन लेकर आओगे तो उसमें आप लोग रिवेन्यू को जो है कोस्ट को रिड्यूस कर दोगे ये तो वो वाली बात है कि बहादो जितना पैसा बहा सकते हो ऐसी भी तो चीजें हो सकती है उसमें आप लोग क्या करोगे आप लोग खुद बताइए हाँ पर पर ठीक है इसी के साथ में हाँ पर जब बात करते हैं इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहां पर इसके बारे में जब आप लोग देखोगे यहां पर तो जनरल इलेक्शन जो है वो लंबा टाइम लेते हैं ठीक है साइमेंट टेनिस इलेक्शन जब लेकर चलोगे तो आप लोगों को और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा नॉर्मली क्या काम करते हैं अभी यहां पर ये बोलाते हैं कि जैसे जनरल इलेक्शन हो गए अब जनरल इलेक्शन होने के बाद में एक इंसान के हाथ में पांच साल तक पावर आ गई अब पता चला गलती से हम लोगों ने गलत इंसान के हाथ में पावर दे दी तो भाई पांच साल तक झेलना उसको हमारी एक तरीके से सर का दर्द बन सकता है अब उसके बीच बीच में उसको चेक एंड बैलेंस मिलता रहता है स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी बुद्धि खुलती है वो सुधरना स्टार्ट हो जाता है तो इस तरीके से अगर देखोगे तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है आप लोगों को कि भाई पांच साल कोई छोटा टाइम टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ना होता है

क्योंकि सिंक्रोनस करने के लिए मिड टर्म इलेक्शन के बारे में बात करते हैं उसको कैसे डील करोगे तो इसके ऊपर में में आप आप लोगों लोगों को डेटा डेटा होना होना इसके प्रॉपर चाहिए अब आप ने फिक्स कर ली क्या क्या ये इसकी गारंटी है क्योंकि एक ऐसे देश में हम लोग रह रहे हैं जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ फॉलो किया जाता है इस कानून को लाना पड़ गया भाई डिफेक्शन को रोकने के लिए तो ऐसे देश के अंदर में किस लेवल पर आप लोग चीजों को लेकर चलोगे क्योंकि पता चल गया सरकार गिरनी नहीं है सरकार फिक्स रहनी है अब इस चीज को समझना जो बताने जा रहा हूं बड़ी तगड़ी बात है अब पता चल गया आज इलेक्शन हो रहे हैं दो हजार चौबीस में दो हजार उनतीस तक कोई ना कोई सरकार यहां पर रहने वाली है अब एक साइड में हो गई बीजेपी जो सरकार चला रही है एक साइड में हो गई कांग्रेस जो अपोजिशन में बैठी है ठीक है बीजेपी और कांग्रेस के फोलोवर हो तो उसको इग्नोर करना टॉपिक को समझना बस ठीक है क्योंकि मेरा पर्पज टॉपिक को समझाना है अब यहां पर बीजेपी है उसको पावर में रहना है अब यहाँ पर कांग्रेस है वो पावर चाहती है अब ये पता है इलेक्शन होंगे नहीं पांच साल तक इन्हीं को रहना है अब सोच के देखो अब यहां पर ये सोचेंगे तुम पावर में हो भाई साहब तो इनकी सरकार को गिरा दो तो कांग्रेस सोचेगी अब ये सोचेंगे सरकार को बना के रखना है अब इसके बीच में स्टार्ट होगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी खरीद फ्रोद इनडायरेक्ट वे में जो सांसद हैं उनका एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो उनका अपने आप को जो पैसे लेने देने वाला सिस्टम है वोट के बदले नोट वाली जो बात चलती है तो यहाँ पर वो लेवल कितना ह्यूज बढ़ जाएगा आप लोग सोच के देखो

फेडरलिज्म का कंसर्न ये चीजें आप लोग को हर जगह देखने को मिलेगी ये बोला जा रहा है कि एंटी फेडरलिज्म है क्योंकि जब नेशनल लेवल पर इलेक्शन आप लोग कवर कराओगे तो यहां पर भाई हमारे देश के अंदर में नेशनल लेवल की गवर्नमेंट थोड़ी ना है हमारे देश के अंदर में तो स्टेट लेवल की भी गवर्नमेंट है लोकल लेवल की भी गवर्नमेंट है नेशनल लेवल की सरकार जब आप लोग लेकर चलोगे इलेक्शन जब नेशनल लेवल के होंगे ना तो स्टेट की बात करेगा ना लोकल की करेगा सबके सब जो है इसी के ऊपर में फोकस देते हुए नजर आएंगे ठीक है

किसी कैंडिडेट को लेकर देखते हैं कि भाई ये कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहे पर लेकिन वहां पर वोट उनकी कहीं और जाती हुई नजर आएगी हमारे देश के अंदर में लिटरेसी लेवल ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर इसको और थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखा जा रहा है तो आप लोग इसको कैसे कंसर्न कैसे कनेक्ट करोगे तो ये वाली बात होगी इसकी वजह से रिड्यूस हो जाएंगे लोकल और स्टेट लेवल के जो इलेक्शन है उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा जब नेशनल लेवल के इलेक्शन यहाँ पर हुए करेंगे इनडायरेक्ट वे में जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है वो अंडरमाइन होती हुई नजर आएगी ये बोला जा रहा है नेशनल ये एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि बड़े पेड़ की छाव में छोटे पेड़ की एक तरीके से औकात खत्म हो जाती है वही बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है ठीक है तो ये आप लोग समझ सकते हो इसमें आप लोग सारी बातें याद रख सकते हो तो लोकल इलेक्शन जिसको हम लोगों ने आप लोगों को पता है सेवनटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके नाइनटी नाइनटी टू में हम लोगों ने लोकल इलेक्शन हम लोग लेकर आए थे तो ये जो लोकल इलेक्शन है आज की डेट में अगर इनको सिस्टेमेटिक वे में हम लोग करा ही नहीं पा रहे कंडक्ट तो फिर सोच के चलो आप लोग क्या सिचुएशन निकल कर आती है तो ये सोचने वाला मुद्दा है कि हम लोग बोलते हैं से से है। हमारे जो, है, जो संविधान निर्माता है उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का फाउंडेशन ऑलरेडी डीपीएसपी में रख दिया था पंचायती राज सिस्टम के अंदर में। हम लोग उसी को अंडरमाइन करने जा रहे हैं क्या ये सही है चैलेंज कई सारे हैं यहाँ पर एक तो एंटी फेडरल बोल दिया ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी यहां पर लोकल लेवल पर आप लोग देखोगे टेन्यूर कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के चल रहे हैं उनको सोट करना पड़ेगा कि इलेक्शन के साथ में लाने के लिए तो यहाँ पर वोटर की जो चॉइस है वो भी हाँ पर आप लोग इसको खराब करते हुए हाँ पर पर नजर आ रहे हो इस चीज को आप लोग पर समझ सकते हैं ठीक है अपोजिशन जो है वो उस चीज को लेकर अलग से काम करिए अपना ठीक है तो यहाँ पर अभी अपोजिशन जो है उसको यहाँ पर जो पोलिटिकल पार्टी है सिविल सोसाइटी है कई सारे लोग यहाँ से इसको अपोज कर रहे हैं कि ये वीक कर देगा मल्टी टायर सिस्टम जो गवर्नेंस है हमारे देश के अंदर में

और अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे यस yes, या फिर नो no, तो वहां पर आंसर दोगे नहीं तो आप लोग इसमें सजेशन क्या दोगे कि होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए तो अपने सजेशन लिखना क्योंकि इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया कल भी आर्टिकल और एक आज हो गया तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग की क्या रहे इसके बारे में ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है ठीक है कोई डाउट यहाँ पर कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आंसर जरूर दीजिएगा ठीक है